नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिस शेयर को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मतलब काफ़ी उस शेयर को वैल्यू नहीं दिया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन यह शेयर आपको इतना बेहतरीन रिटर्न देता है बोनस के रूप में। लगातार इंटरवल पर बोनस दिया और आगे आने वाले समय में भी ये आपको लगातार इंटरवल पर बोनस देगा और डिविडेंड यील्ड इतना शानदार कि जितना आप एफडी पर ब्याज प्राप्त करते हैं उतना आपको ये डिविडेंड के रूप में रिटर्न देता है। डिविडेंड के रूप में रिटर्न, जितना कि एफडी पर ब्याज, दूसरा ये आने वाले समय में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, इतना इसके बिजनेस में ग्रोथ है और बिजनेस इतना डाइवर्सिफाइड है। साथ ही साथ बोनस शेयर लगातार इंटरवल पर, क्योंकि आप भी इस शेयर के बारे में जानते होंगे, जैसे हम नाम लेंगे आप जान जाएंगे कि ये कौन सा शेयर है जो कि रेगुलर इंटरवल पर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है। ऐसे ही शानदार स्टॉक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को जानेंगे कि कैसे हम कह रहे हैं कि ये कंपनी बहुत ही शानदार है, फिर कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे, कंपनी के बिजनेस को देखेंगे, इसके ब्रांड को देखेंगे, जो फेमस ब्रांड है इसके, और जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, कौन कौन से सेक्टर में कंपनी बिजनेस करती है, सारी चीज देखेंगे, फिर कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाले हैं, इस कंपनी के रिजल्ट को भी फिर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 24 जुलाई को इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट आने वाला है, तो उस दिन हम इसके रिजल्ट को भी जानेंगे। फिर डिविडेंड देख लीजिए कितना शानदार है, देखते हैं 1015% का डिविडेंड, 575% का डिविडेंड, 515% का डिविडेंड 850 2016 में, और ये मात्र 200 से भी कम रुपया का ये स्टॉक्स है, 200 से भी कम का ये स्टॉक्स, और डिविडेंड इतनी शानदार और रेगुलर डिविडेंड दिया है, हर साल डिविडेंड दिया, ऐसा एक भी साल नहीं गया जिसमें डिविडेंड देना चूक गया हो ये कंपनी। ऐसे ही शानदार कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। बोनस 2016 में, 2010 में, 2005 में, 1994 में, 1991 में, व्यू मोड पर जाकर के और पीछे का देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पीछे देखने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर रेगुलर इंटरवल जो है हम यही 10 से 20 साल का देखेंगे। देखिए 2010 में दिया है, 16 में दिया है, उससे पहले भी 2005 में ये फेस वैल्यू 10 से 1 किया है। फेस वैल्यू 10 से 1 करने का मतलब हुआ कि आपका एक शेयर 10 शेयर हो गया, एक शेयर 10 शेयर हो गया, तो समझ सकते हैं आप जो बोनस शेयर लेंगे, 1 से 10 शेयर होने में आपको 1:1 का बोनस, 1:1 का बोनस कम से कम 3 से 4 बार, 3 बार लेंगे तो 8 शेयर होगा एक शेयर का, जब चौथी बार तब जाकर के आपको 10 शेयर से अधिक शेयर हो पाएगा, तो समझ सकते हैं 3 से 4 बार बोनस शेयर इसी में शामिल हो गया, 3 से 4, और उसके बाद 10 में भी दिया, 16 में दिया, फिर ये बोनस देगा, लेकिन अभी इसका प्राइस में थोड़ा मूवमेंटम आने दीजिए, मतलब थोड़ी सी प्राइस में तेजी आ जाए, ये 200 से 400 हो जाए, फिर देखिए ये कंपनी फिर से आपको बोनस देगी। मतलब ये कंपनी का रिकॉर्ड है कि ये रेगुलर इंटरवल पर अपने शेयर होल्डर को बोनस दिया है। ये देख लिया आपने कॉर्पोरेट टैक्सन, अब वैल्यूएशन देख लेते हैं कंपनी का, तो कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 2,38,000, मतलब ये बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है। तो लोग बोलेंगे ब्लू चिप कंपनी में मल्टी बैगर रिटर्न कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों आप जान लीजिए कि अगर ब्लू चिप कंपनी का मार्केट कैप 2,38,000 करोड़ से 5 लाख हो जाए तो मल्टी बैगर रिटर्न हुआ या नहीं हुआ। साथ ही साथ कंपनी जो बोनस भी देती हो आपको रेगुलर इंटरवल पर, कितना बड़ा बोनस, बोनस के रूप में रिटर्न, ग्रोथ के रूप में रिटर्न, दोनों रिटर्न आपको मिलेंगे। बोनस के रूप में रिटर्न मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आपका मल्टीप्लाई हो गया, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया, साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ना मतलब शेयर का प्राइस बढ़ना, तो शेयर का प्राइस बढ़ा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा, तो उसके ऊपर आपके शेयर के प्राइस के ऊपर रिटर्न। पे रेशियो देखते हैं 15.76 और इसका इंडस्ट्री का भी उतना ही है, इंडस्ट्री का जितना उतना इसका भी है। उसके बाद बुक वैल्यू 52 का डिविडेंड देखते हैं, डिविडेंड तो काफ़ी शानदार है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर, वहाँ पर रेशियो में जाएंगे तो डिटेल में देखेंगे अर्निंग पर शेयर क्या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। देखते हैं प्राइस है, बुक वैल्यू का रेशियो मात्र 3.72 है, और जो कंपनी है बिल्कुल डेप्ट फ्री है, डेप्ट फ्री कंपनी है, तो डेप्ट फ्री मतलब समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी में कोई दिक्कत आने वाला अभी फिलहाल नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल देख लेते हैं, तो कंपनी लगातार देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट जो है कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ है। मार्च क्वार्टर काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट प्रभावित रहे, लेकिन इस कंपनियों के रिजल्ट पे कोई फर्क खास नहीं पड़ा है। तो रेवेन्यू में यहाँ देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हुआ, मतलब प्रॉफिट जो है मार्जिन इंक्रीज हुआ जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। उसके बाद हम कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं, तो नीचे चलते हैं, कंपनी का रिजर्व देख लीजिए 62,000 करोड़। ये कंपनियां बोनस क्यों देती है रेगुलर इंटरवल पे, क्योंकि कंपनी का देखते हैं रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहा है,
तो कंपनी का रिजर्व काफ़ी इंक्रीज हुआ। डेप्ट कंपनी का देख लीजिए 5 करोड़, जिसके पास 62,000 करोड़ का रिजर्व हो 5 करोड़, वो कंपनी कोई डेप्ट नहीं होता। ये तो यूँ ही कंपनी का कहिए कि शून्य से भी कम है, शून्य के बराबर है कंपनी का डेप्ट, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी अधिक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, कैश और बैंक बैलेंस देख लीजिए 6,843 करोड़। तो समझ सकते हैं इस कंपनी के पास 5 करोड़ डेप्ट, कोई डेप्ट नहीं है, वो इसी तरह से बैलेंस शीट पर सिर्फ लिखा हुआ है। नेट करंट एसेट, करंट एसेट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। बुक वैल्यू देख लीजिए कंपनी का, बुक वैल्यू भी कंपनी का देखते हैं इंक्रीज हुआ है। तो सारी चीज़ जो आपके पॉजिटिव में है, आपके फेवर में है, और कंपनी जो है काफ़ी चीप वैल्यू पर अभी इसका स्टॉक्स, आपका जो स्टॉक है, शेयर है, वो मिल रहा है आपको। तो नीचे चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रेशियोज है वो देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर देखिए 12 रुपीज़, और अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं लगातार इंक्रीज हुआ है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो सारी चीज़ें, ऐसी कोई भी चीज़ इस कंपनी में आपको डाउट नहीं मिलेगा जिसके कारण आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। उसके बाद इक्विटी, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए 29%, 21%, 23%। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 28, 32, 30, 30, 29। रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं 20%, 18%, 20%। समझ सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट इतना ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी तो उससे भी देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। तो हर चीज़ आपके फेवर में है, और ये कंपनियां एक ब्लू चिप कंपनी है, और एक ब्लू चिप कंपनी आपको इतना रिटर्न देती है, डेफ्ट फ्री कंपनी इतना बेहतरीन रिटर्न देती है, तो आपको जैसे तैसे स्टॉक में रिस्क लेने से क्या फ़ायदा। आप जिस स्टॉक के बिजनेस को नहीं समझते हैं, जिस स्टॉक के बारे में, यहां तक कि उस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और आप अपना स्टॉक मार्केट में रुपया खो देते हैं। फिर आप स्टॉक मार्केट को देते हैं कि ये एक सट्टा बाजार है, ये एक सट्टा बाजार है जहां सिर्फ सट्टा होती है। तो दोस्तों देख लीजिए, ऐसे ही बेहतरीन शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है। दोस्तों ये कोर्सेज जो है हम 50,000 में कोर्स लिए हैं, 50,000 सर का प्राइस है, तब जाकर के हमें वहां सीखने थोड़ा सा मिला। आपको हम फ्री में यहाँ शेयर बताते हैं, ऐसे शेयर में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, और कब करें, जब उसका प्राइस में काफी करेक्शन आ गया है। तो टेक्निकल एनालिसिस बताता है किस प्राइस पर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, किस स्टॉक में करनी चाहिए, ये आपका फंडामेंटल एनालिसिस, और मैनेजमेंट का एनालिसिस बताता है किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात जो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो दोस्तों ये कंपनी ऐसी है जिसमें कोई प्रमोटर नहीं है। तो इसका प्रमोटर पहले कौन था, मतलब इसमें गवर्नमेंट का स्टेक था पहले, अब वो गवर्नमेंट का स्टेक भी, ऐसा न्यूज़ आया था वो सेल होने जा रही है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो है ITC। ITC में आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपना जो स्टेक है इसमें सेल करने वाली है। तो ऐसे में इसमें जो भी गवर्नमेंट का भी जो स्टेक था वो भी ख़त्म, प्रमोटर्स भी कोई नहीं है, तो ये पूरी तरह से पब्लिक की कंपनी है, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इतनी बेहतरीन कंपनी जिसमें आपको मौका मिले तो कभी भी इन्वेस्ट करने से नहीं चूकनी चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए FI का इन्वेस्टमेंट 16%, 15%, 14%। उसके बाद यहाँ पर डोमेस्टिक का देखिए कितना बेहतरीन इसमें इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी स्टेक उन्होंने बढ़ाया है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर का भी स्टेक बढ़ा है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, क्योंकि ये स्टॉक्स आपको मात्र 194 रुपये अभी करेंट प्राइस, अगर और थोड़ा सा करेक्शन मिला तो 180 पे भी आ सकता है, आप 180 पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक्स 150 रुपीज़ तक आ गया था, वहाँ पर इन्वेस्ट करते तो अभी आप मालामाल हो गए रहते, क्योंकि 200 से ऊपर तक इसका प्राइस जा चुका था। तो समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन कंपनी है ये, और डिविडेंड मात्र 150 रुपये में आप खरीदते 10 रुपये का डिविडेंड, और ब्लू चिप कंपनी जिसमें ग्रोथ आगे बहुत ही ज़्यादा है, मतलब आने की संभावना है ग्रोथ में, क्योंकि आपको हम इस कंपनी के वेबसाइट पर लेकर आप चलते हैं। देख लीजिए ये कंपनी का वेबसाइट है, यहाँ पर जाइए बिजनेस में, ITCPortal.com ये कंपनी का वेबसाइट है, यहाँ पर जाइए बिजनेस में, और बिजनेस में देखिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का बिजनेस, सीक्रेट यहाँ पर देखते हैं, सीक्रेट फूड्स, पर्सनल केयर, एजुकेशन, स्टेशनरी, लाइफ स्टाइल, सेफ्टी, यहाँ पर अंतिम में देख सकते हैं अगरबत्ती, धूप, उसके बाद होटल, उसके बाद यहाँ पर जैसे पेपर बोर्ड, स्पेशलिटी पेपर, इतने सारे बिजनेस हैं इसके। उसके बाद यहाँ पर अगला बिजनेस है पैकेजिंग का, एग्रीकल्चर बिजनेस, उसके बाद बहुत सारे इनके ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन ज्वाइंट वेंचर, बहुत सारे ऑपरेशन ज्वाइंट वेंचर हैं इनके। और उसके बाद ब्रांड्स इसके देखिएगा तो काफ़ी सारे ब्रांड है, फूड में ये सारे ब्रांड है, देख सकते हैं यहाँ पर आप सारे ब्रांड का नाम पढ़िए कितने ब्रांड है इसके। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल केयर,
इतने सारे ब्रांड है पर्सनल केयर में इनके। एजुकेशन में आप क्लासमेट का कॉपी नोटबुक काफ़ी यूज किए होंगे, पेपर क्राफ्ट ये एजुकेशन में है, मतलब एजुकेशन में, पर्सनल केयर में, फूड में, सीक्रेट में, उसके बाद हॉस्पिटल में, एग्रीकल्चर में, इतने डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जिसका बिजनेस कुछ ही सालों में, 10 साल 15 साल में इफेक्टेड प्रभावित होने वाला नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न आपको कौन देगा? ऐसे ही स्टॉक्स जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है। अभी से 5 साल पहले की बात करें, जियो आने से पहले रिलायंस क्या था? काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक, उसमें कोई मूवमेंटम देखने नहीं मिलता था। आज रिलायंस का स्टॉक 600 रुपया से 2000 रुपया तक जा चुका है। तो दोस्तों समझ सकते हैं ये भी स्टॉक्स अभी मात्र 200 रुपया में मिल रहा है। जैसे ये सारे इन्वेस्टर के नज़र में आएगा, इसका भी स्टॉक आपको 200 के बदले 400 रुपये के प्राइस पर देखने मिलेगा। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक है। तो अब हम बात करेंगे इसके शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी का और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का। पिछले वीडियो में कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एंट्री लेवल बताइए। जो स्टॉक्स अभी चीप वैल्यू पर उपलब्ध होते हैं उसमें हमारा जो एंट्री लेवल होता है कि आपको SIP स्टार्ट कर देनी है जो चीप वैल्यू पर मिले। जैसे ये स्टॉक्स काफ़ी चीप वैल्यू पर, पिछले वीडियो में हमने रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में बताया था, वो अभी चीप वैल्यू पर मिल रहा है, तो उसमें SIP आपको स्टार्ट कर देनी है। मतलब आपको 10 स्टॉक बाय करना है तो 2 अभी बाय कर लिए, फिर करेक्शन आता है तो करेक्शन पे बाय करेंगे। अगर ऊपर के प्राइस जा रहा है मतलब उसमें मोमेंटम आगे लग रहा है कि पकड़ लेगा, अब वो नीचे के प्राइस पर नहीं मिलेगा तो फिर ऊपर के प्राइस पे हम उसको एवरेज करेंगे। मतलब नीचे जाते हुए भी एवरेज, ऊपर जाते हुए एवरेज, दोनों डायरेक्शन में आपको एवरेज करना है। मतलब जब प्राइस ऊपर जाने लगा मतलब अब लगता है कंपनी नीचे कभी नहीं आएगा, तो वहाँ पर भी आपको एवरेज कर लेनी है, क्योंकि जब एवरेज नहीं करेंगे तो आप फिर नीचे के प्राइस पर वो कभी मिलेगा ही नहीं। तो जब मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या, हायर प्राइस पर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे कि एवरेज करते चलेंगे फटाफट। साथ ही साथ अभी जो हमारा सिचुएशन है चारों तरफ का काफ़ी ख़राब है, तो इस पर ध्यान रखना है कि अगर हमारा पैंडमिक सिचुएशन काफ़ी स्थिति को ख़राब करता है तो ये सारे स्टॉक में और काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको मिल सकती है। तो गिरावट पर आप क्या करेंगे, और अधिक से अधिक बाइंग करेंगे और से अधिक इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम सारे चार्ट्स देखते हैं, और अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं लगता है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप इंट्राडे करते हैं तो मैक्सिमम 20 रुपये आपको पर ट्रेड चार्ज लगता है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक से जाइए, इसमें अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट और ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट होनी चाहिए। तो इसलिए एक अकाउंट आपको जीरोधा में ओपन करनी है, दूसरी आपको एंजल ब्रोकिंग में, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग में हम आगे वीडियो लेकर आएंगे क्यों ओपन करनी चाहिए वहां इंट्राडे के लिए आपको। तो दोस्तों चार्ट पर बात करें तो 200 डे का जो मूविंग एवरेज है ITC का वो है 213 रुपया, और इससे स्टॉक्स अभी काफी नीचे है, देख सकते हैं 194 रुपया पे है, मतलब 20 रुपया नीचे मिल रहा है 200 डे के मूविंग एवरेज से। दोस्तों ये थोड़ा स्लो चलने वाला स्टॉक्स है कि स्लोली धीरे धीरे ये स्टॉक्स ऊपर जाता है, जिस तरह से विप्रो चलती है। तो विप्रो ITC काफी इन्वेस्टर को मालामाल किया है, लेकिन ये स्टॉक का जो गति है वो काफ़ी धीमे है, धीरे धीरे ये इन्वेस्टर को रिटर्न देता और एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इन दोनों स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर को। और यहाँ पर RSI की बात करें, RSI 49 है, और RSI का अभी स्ट्रेंथ ना तो मतलब इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है ना तो वीकनेस, अगर कहें तो एक थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है कि RSI नीचे आ रहा है। अगर RSI नीचे आता है ग्राफ इसका तो उसमें वीकनेस होता है RSI में, और ऊपर जाता है तो मतलब RSI स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, मतलब इसके प्राइस में स्ट्रेंथ आ रहा है, मतलब कंपनी का जो शेयर है उसमें मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। लेकिन अभी RSI वीकनेस को दिखाता है, मतलब प्राइस इसका थोड़ा नीचे आ सकता है, तो 190 तक अगर आ जाता है तो आप 190 पर इन्वेस्ट कर लीजिए। फिर इसमें करेक्शन आता है तो दूसरा जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है 180 बनता है, और सबसे इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है 150 है। लेकिन 150 तभी आएगा जब मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आए, नहीं तो छोटा सा गिरावट आता है तो 180 तक ये स्टॉक्स आपको देखने मिल जाता है। तो आप लगातार 190 पर बाय करेंगे पहला, तो फिर 180 पर इसको एवरेज करेंगे, फिर अगर बड़ा फॉल आया 150 पर आता है तो आप 150 पर बहुत बड़ा निवेश करेंगे। मतलब यही होना चाहिए स्ट्रेटेजिक, 150 बहुत ही चीप प्राइस तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो ये था शॉर्ट टर्म का लेवल्स, किस लेवल पर आपको मतलब ये सपोर्ट दिखाएगा, किस लेवल तक नीचे आ सकता है। ऊपर का लेवल, ऊपर के लेवल की कोई गारंटी नहीं है। अगर रिजल्ट जो है 24 जुलाई को काफ़ी बेहतरीन आता है तो ये ऊपर आपके 250 तक के लेवल को टच कर सकता है। 250 तक का लेवल ये एक बार में टच कर सकता है, जिस तरह से आपने विप्रो को देखा। अगर मार्केट का जो एस्टीमेट है कि ITC का रिजल्ट ऐसा आ सकता है, उसको बीट कर देता है ITC, तो इसका लेवल फिर से 250 पर आपको दिखाई देगा। तो
तो ये था शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए और जस्ट उसको देखते रहिए, मतलब जो तमाशा है उसको देखिए, मजा लीजिए किस तरह से ITC ऊपर जाता है नीचे जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म चार्ट की, तो ITC का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है उसमें अभी आप देखते हैं ईयर टिल डेट में तो काफ़ी गिरावट आपको देखने मिल रहा है। ईयर टिल में डेट में देखेंगे तो आपका जो गिरावट है इसमें देख लीजिए, यहाँ से आपको हम गिरावट दिखा देते हैं। ITC में गिरावट कितना है, वह है ईयर टिल डेट में 19%, 18.58 है, तो 19% का गिरावट हो गया ईयर टिल डेट में। वन ईयर में गिरावट देखेंगे तो वन ईयर में और थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट आया है, वन ईयर में आप देख सकते हैं 28%, मतलब 28.81%, तो मतलब 29% का गिरावट। अभी भी ये ITC आपको कितने पे मिल रहा है, 30% के करेक्शन पर। अभी 5 ईयर्स में देखिएगा तो 5 ईयर्स में भी ये स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म हुआ है, लेकिन मैक्सिमम ईयर में बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। यहाँ से देख सकते हैं 1047% का रिटर्न दिया है, तो 2000 से 2020 तक में, तो पिछले 5 सालों से ये स्टॉक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म है। उसके पहले ये इन्वेस्टर को देखें 5 साल पहले, तो ये अपने इन्वेस्टर को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न 1732% का रिटर्न दिया था, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। पीछे कई सालों से अंडर परफॉर्म रहे क्योंकि ये स्टॉक्स सीक्रेट से एक FMCG कंपनी बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये इन्वेस्टर की नज़र में आता है कि एक अच्छी FMCG कंपनी बन गई, तो फिर FMCG के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा आपको परफॉर्म करते हुए देखने मिलेंगे, चाहे HUL हो, चाहे ब्रिटेनिया हो, चाहे मैरिको हो, सारे स्टॉक्स आपको काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो उसी तरह ये स्टॉक में भी एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता है आगे के 2-3-5 सालों में, और डिविडेंड यील्ड FD पर जो आप ब्याज प्राप्त करते हैं उससे काफ़ी बेहतर, देख सकते हैं FD पर जो ब्याज करते हैं उससे काफ़ी बेहतर है, 5.22% का, 5.22% का, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे।